हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी सी परवल की चटनी या फिर परवल को चोखा कह लीजिए, इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी बनती है। तो सबसे पहले हमने परवल ले लेना है। तो मेरे पास ये देसी परवल है, लगभग आधा किलो का ये परवल है, बिल्कुल देसी ताज़ा परवल है। इसका चोखा या चटनी बहुत ही अच्छा बनता है। तो सबसे पहले हमें इस परवल को धुल के थोड़े से पानी के साथ, मतलब एक गिलास पानी के साथ, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, इसको उबाल लेना है। तो उबालने में टोटल आपको लगभग 10 मिनट लग जाएंगे मीडियम आंच पे। तो ये देखिए परवल हमारा उबल चुका है। अब इसके पानी को हम निकाल करके परवल को अलग कर लेंगे। अब ये देखिए पानी तो निकल चुका है। तो जो परवल के आगे और पीछे का जो हिस्सा होता है, मतलब जो इसकी डंठल होती है, इसको निकाल लेना है पहले, और दोनों हाथों से अच्छे से दबा करके इसके अंदर का हमें पानी निकाल लेना है। पानी निकलने के बाद जो अंदर का बीज होता है इसको अलग कर लेना है, और जो परवल का ये बाकी जो पोर्शन बचता है, मतलब कि परवल का जो छिलका बचता है, इसको हमें कूटने के लिए अलग रख देना है। तो मैं साथ ही के साथ इसको खलनी में डालती जा रही हूँ ताकि इसको हम आसानी से कूट सकें। तो यही हमें पहले काम करना है, इसके बीच सारे परवल को अच्छे से पानी निकाल लेना है और इसके बीज और छिलके को अलग कर देना है। तो ये देखिए मेरे सारे परवल मैंने अच्छे से इसको कूट लिया है। इसको चाहे तो आप सिलबट्टे पे बिल्कुल दरदरा पीसे, बिल्कुल इसको चटनी ना बनाए, इसको बिल्कुल हल्का हल्का हमें इसे कूटना है। मिक्सर में आप ना चलाएं इसको, मिक्सर में चलाने से बहुत ही महीन हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही खलनी में कूट लीजिए, और कूटने के बाद इसको बीज के साथ ही हमें मिला देना है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, और एक प्याज मैंने लंबा लंबा काट लिया है, हरी मिर्च ले ली है, और नींबू ले लिया है। बस इतना ही चीज़ इसमें डालना है, और ये आपकी बहुत ही चटपटी सी चटनी या चोखा जो भी कहिए वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसमें हरी मिर्च आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिए तो आपका ये चोखा बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो जाएगा। दाल चावल या फिर रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।